भट्टूकलां पुलिस ने सट्टेबाजी पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार छापामार कार्रवाई शुरू कर रखी है। इस कार्रवाई में पुलिस ने सट्टेबाजी करने के आरोप में भट्टूकलां निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग ने बताया कि पुलिस ने भट्टू मंडी में सार्वजनिक स्थान पर सट्टे लगाते हुए विनोद कुमार को 22,150 रुपए की सट्टा राशि सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। गांव बनगांव के एक युवक ने पुलिस को शिकायत देकर अपहरण करने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में बनगांव निवासी सुशील कुमार ने बताया कि वह देर रात्रि कहीं जा रहा था। रास्ते में गांव के ही हनुमान राजेश रोहतास विनोद ने उसका अपहरण कर लिया। उक्त लोगों ने उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट से वह घायल हो गया। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन की अफवाहों ने कालाबाजारी करने वालों को एक फिर मौका मिल गया है। भट्टू क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से किरियाना, चाय के खोके, पान की दुकानों पर तंबाकू, गुटखा और बीड़ी के दामों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। किरियाने के बड़े दुकानदार स्टॉक करने में जुट गए हैं। अधिकतर दुकानदार इस समय बड़ी दुकानों से बीड़ी तंबाकू खरीदकर खुदरा में बीड़ी बेचने के स्थान पर स्टॉक करने में ध्यान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी बीड़ी जर्दे में दिखाई दे रही है। पिछले सप्ताह तानसेन जर्दा 215 रुपए का पैकेट मिल रहा था, आज इसका दाम 380 रुपए से भी ऊपर चल गया है। वहीं 162 रुपए में मिलने वाला देसाई बीड़ी का पैकेट 260 रुपए से भी अधिक में मिल रहा है। रेट में उछाल के कारण पीछे से माल की आपूर्ति की कमी नहीं, बल्कि बड़े किरियाना स्टोर मालिकों द्वारा स्टॉक करना बताया जा रहा है। किरियाना की दुकान चलाने वाले राम सिंह सुदेश जुगनू लाखन ने बताया कि पिछली बार लॉकडाउन में 50 रुपए में बीड़ी का एक बंडल बिका था। अब लॉकडाउन की आड़ सुनते ही बड़े व्यापारियों ने स्टॉक करना प्रारंभ कर दिया। इसके चलते उन्होंने बीड़ी और तंबाकू के दाम भी बढ़ा दिए। प्रशासन को बड़ी दुकानों पर छापामार कार्रवाई करके कालाबाजारी को रोकना चाहिए। इन दुकानदारों ने बताया कि कालाबाजारी बड़े दुकानदार करते हैं, जबकि इसका खामियाजा छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। जब वे इसे महंगे रेट पर बेचते हैं तो ग्राहक उनसे झगड़ते हैं। ऐसे में दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। गत दिनों कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्रों को बम्पर जोन बनाया गया है। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बम्पर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं का देखरेख करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि इन कंटेनमेंट जोन पर सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक रहेगी। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आसपास के क्षेत्रों में उनके फैलाव को रोकने के लिए जारी हिदायतों का पालन करने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मानदंडों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। एडीसी ने बताया कि गत दिनों भट्टू क्षेत्र में भट्टूकलां के राजपूत मोहल्ला, न्यू फाटक, बुडानिया मोहल्ला, ढाणी ठुइया रोड, सीएससी कैंपस भट्टूकलां, शिव कॉलोनी फतेहवाद रोड, ढाणी फतेहवाद रोड, गांव भट्टूकलां, ढाणी खाबड़ा रोड, ढाणी चौपटा रोड, प्रताप नगर, अनाज मंडी हाउस,
नंबर 64 भट्टू मंडी, दुकान नंबर 85 भट्टू कला पीपल वाला चौक तथा नजदीक चमेली आंगनवाड़ी केंद्र खावड़ा कला में कोविड 19 के केस मिले हैं, जिसके बाद संभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और साथ लगते क्षेत्र को बम्पर जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा भट्टू कला में गत दिनों मिले कोरोना केस के मद्देनजर बीडीपीओ कार्यालय भट्टू कला, एसएचओ एसएमओ सीएससी भट्टू कला तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू कला के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके लिए बीडीपीओ विनय प्रताप सिंह व जीएसएस के प्राचार्य को इंचार्ज तथा कंटेनमेंट और बम्पर जोन में समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायती राज भट्टू कला के एसडीओ हनुमान सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।